ओए दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 की वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज है साल का आखिरी दिन, मतलब कि 2023 का होने वाला है एंड। और दोस्तों एक न्यू ईयर आने वाला है जिसका नाम है 2024। तो आज कुछ बनता तो है लास्ट दिन। वैसे दोस्तों, आज के दिन आप लास्ट दिन क्या करने वाले हो, हम लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चलो, मैं तब तक मुन्ना को ढूंढता हूँ, कहाँ गया वो। पार्टी ओडी दोस्तों चलते हैं, पार्टी ओडी करते हैं। एक मिनट, पार्टी ओडी चलते कैसे हो सकते हैं? हाँ, पार्टी कर सकते हैं दोस्तों, चल लेंगे तो हम लोग कहीं भी चल सकते हैं। अब ढूंढता हुआ डूबड़ा है किधर? मुन्ना, ओए मुन्ना किधर है तू? पता नहीं मुन्ना, आज साल का आखिरी दिन है, कुछ तो बनता है ना। ओए वो देखो, नल्ला उधर खड़ा हुआ है। पता नहीं दोस्तों, ये किस ख्वाब में डूबा रहता है। देखना पड़ता है दोस्तों, ख्याल रखना पड़ता है मुझे मेरे भाई का, क्या ही बताऊं। ओए चलो चल के देखता हूँ अब ये किस दोस्तों दुख में पड़ा हुआ है, मुझे समझना पड़ेगा। ओए मुन्ना, मेरे भाई कैसा है आज? तो तू पता नहीं वहाँ सब्जियाँ पका रहा है क्या? सब्जी कैसे पकाएगा? ओए मुन्ना, मेरे भाई कैसा है? भैयो, ओए क्या हो गया, क्या दिक्कत है, क्या कुछ किसी ने मारा तुझे? भैयो क्या बताओ यार। ओए बताएगा तब ना बताऊंगा मैं तुझको, कोई सोल्यूशन तो बताऊंगा मैं तुझको। भैया बहुत से लोग हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते यार, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, और लाइक तो भैया छोड़ ही दो। ओए ये बात है? ओए इतनी छोटी सी बात कर दी तूने, उसके लिए तू इतना रूठा बैठा हुआ है। ओए मुन्ना, ये सारे अपने दोस्त लोग हैं, टेंशन मत लिया कर, ये सब मुन्ना चलता रहता है। क्यों दोस्तों? ओए दोस्तों, अब मेरे मुन्ना का यहाँ पे मन खुश कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वैसे भी साल का आखिरी दिन है। चल मुन्ना, अब खुश हो गया ना तू? ए भैया, ये लोग पक्का कर देंगे ना? ओए पक्का, मैं कच्चे कभी बोलता ही नहीं हूँ। चल आ जा, वैसे भी आज मुन्ना कुछ यहाँ पे चलते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। पार्टी शार्टी? कौन सी पार्टी शार्टी? तू पहले अपना मुंह बनाना बंद कर, नहीं तो मैं तुझको फोड़ डालूंगा, चल जल्दी। ओए ये क्या सही में फोड़ गया? ओए उठ जा। ए मुझे मारा भाई आपने? ओए उठ जा मेरे भाई, दोस्त लगता है टपक गया। ए यार भैया, लेकिन आपने मुझे मारा क्यों? ओए मेरे भाई गलती से हो गया था, मुझे क्या पता तू एक टपली में टपक जाएगा। चलो यार भैया आ जाओ, वैसे भी यार मैं बोर हो रहा था। ओए ये बता चलना कहाँ पे? अरे कहीं भी चलते यार। क्या भैया, बहुत सी जगह है यहाँ पे GTA में। ओए आज मुन्ना कैंपिंग करने क्यों ना चले? हाँ सही आइडिया है, बॉब को भी बुला लो। ओए उस नल्ले को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे बुला रहा हूँ भैया, क्या जाता है? ओए तू आज फोन कर। चलो ठीक है, मैं ही फोन कर देता हूँ। गाइस यार ये भैया भी ना, चलो जल्दी से लग जाओ बॉब को कॉल। ओके देखते हैं गाइस बॉब यहाँ पे कॉल पिक करता है कि नहीं। पिक कर ले जल्दी से। ओए मुझे तो लगता नहीं करेगा। आओ बॉब इज पिकिंग। ए बॉब कैसे हो? आओ ओके एकदम बेस्ट, तुम बताओ। ए बॉब मैं तो बढ़िया हूँ। तो बॉब आज मैं और भैया जैक एक मिल्क प्लान बना रहे थे, क्योंकि गाइस आज साल का आखिरी दिन है। तो बॉब मैं और भैया जैक सोच रहे थे आज कहीं कैंपिंग पे चलते हैं पहाड़ों में। आओ एकदम सही प्लान होगी, अभी आता हूँ। ओए अकेले मत आइयो। क्या मतलब है? ओए गड्डी लेके आइयो, क्योंकि हम लोग की गड्डी खराब है। आओ तू हमेशा ऐसे क्यों बैठा रहता है, और तू भी चल रहा है तो आज तेरी ठग की टिकट भी कर दूंगा। ओए चल निकल ले, फोन रख जल्दी से। आ आओगे? मैं अभी आता हूँ, हिचका हिचका। ठीक है बॉब, बाय बाय। चलो भैया बॉब तो आ रहा है, देखते हैं कब तक आता है। ओए हाँ चल मुन्ना, आज हम लोग ऊपर चलते हैं। ठीक है आ जाओ। क्या बात है दोस्तों, मौसम है सुहाना, लेकिन ये क्या मौसम में किसका हुआ आना, ये क्या चमक रहा है आसमान से, लगता है दोस्तों कोई तो आ रहा है, अच्छा है। हे भैया कोई गिरा क्या ऊपर से? ओए हाँ आवाज तो मुझे भी आई, कहाँ से गिर गया? ओए मुझे तो ऊपर प्लेन दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा। अरे भैया लगता है कोई बाहर गिरा है। बाहर? ओए आ जा फिर चल के देखते हैं। वैसे क्या गिरा होगा, मीटियोर थोड़ी गिर पड़ेगा। अरे भैया फिर भी देखना चाहिए ना कौन गिरा है कौन नहीं गिरा। ओए लगता है मुन्ना कचरा गिर गया किसी का। देखो तो क्या है। ओए ओए कोई तो नहीं गिरा है, सब कुछ तो ठीक है। अरे उधर नहीं, इधर देखो। इधर इधर किधर? अरे ये देखो भैया। ओए ये कौन है? ओए मुन्ना ये तो जाना पहचान लगता है। अरे जाना पहचान नहीं भैया, ये तो बेन टेनिसन है। बेन टेनिसन? ओए वही वाला ऑमनीट्रिक्स वाला।
अरे हाँ भैया वही, लेकिन ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? हाँ ए भैया जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ओए क्या कर सकते हम लोग? अरे यार भैया इसको अपने घर पे ले चलते, नहीं तो ऐसे थोड़ी पड़ा रहेगा। बाप रे भैया कितना इंजर लग रहा है। ओए तो फिर क्या करे? ए भैया इसको ले चलना पड़ेगा। ओए कहाँ पे? हॉस्पिटल तो अभी नहीं ले जा सकते भैया, अभी पहले इसको रेस्ट की जरूरत है। ओए तो फिर इसको बेड पे ले चले। नहीं तो क्या भैया जल्दी लेके आओ। बाप रे भैया, ओए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, जल्दी लेके आओ भैया, बकवास मत करो। ए भैया क्या लगता है, बेन ठीक तो हो जाएगा ना? वैसे ये टपका कहाँ से, मुझे ये बताओ, बता दे पहले। ए मुझे क्या पता होगा भैया। ए बेन कैसे हो मेरे दोस्त? ए बाप रे भैया, इसके इस तरह की हालत किसने कर दी? नहीं गाइस, ये वही बेन टेनिसन है जो दुनिया को बचाता है, और आज इसकी हालत ऐसे है। ओए मैं क्या बताऊं मुन्ना, लेकिन ये हालत की किसने? हाँ अरे लेकिन मुन्ना इंजर कैसे हो गया? बाप रे लगता है इसको किसी ने टपली मारी है। ओए ए भैया अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है? ओए मैं मजाक नहीं कर रहा, उसी से पूछ लेना। ए बेन कैसे हो मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो यार, क्या हो गया तुम्हें आखिरकार? मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? ए मेरा नाम ऑगी है, और ये मेरे भैया जैक। ओए कैसा है मेरे दोस्त, ठीक तो है ना तू? मैं ठीक नहीं हूँ, और शायद से ये धरती भी ठीक नहीं रहने वाली, क्योंकि धरती पे विलगैक्स आ रहा है। ए भैया वही विलगैक्स? ओए हाँ वही विलगैक्स, लेकिन वही विलगैक्स है कौन? ए यार भैया आप नहीं जानते, वो भैया वो विलेन है। विलेन? ओए धरती पे क्या मतलब है? ओए मतलब हमारे लॉस सैंटोस में। ए भैया लॉस सैंटोस भैया अर्थ के अंदर ही आती है। ओ अच्छा ये बात है, तो क्या होने वाला है? बेन से पूछ तो। ए बेन लेकिन दिक्कत क्या है? वो मेरी ओमनीड्रिक्स चुराने के लिए आ रहा है, और मैं इस हालत में उससे नहीं लड़ सकता होगी, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ए लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ भैया, आप ही बताओ ना। ओए वही तो, ये क्या कर सकता है, ये तो पिद्दी है, मैं ही कुछ कर सकता हूँ। होगी मेरे दोस्त, उससे पहले विलगैक्स यहाँ पे लॉस सैंटोस में तबाही मचाए, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, या तुम्हें कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मेरे दोस्त। ओए तू क्या जिम्मेदारी लेगा? ओए बेंटन ये क्या जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदारी दे रही तो मुझे दे दे। ए भैया आप थोड़ी देर के शांत रहोगे? ओए मैंने क्या किया, मैं तो मुन्ना इसको यहाँ से बेड में लाया हूँ ना। ए ठीक है ना भैया, अच्छा काम किया, जाओ भैया ऊपर न्यूज देखो। ओए तू मेरे को ऊपर भगा रहा है? हाँ भैया जाओ, आप परेशान कर रहे हो बार बार। ओए यार ठीक है जा रहा हूँ। ओए दोस्तों बचाने वाली कोई इज्जत ही नहीं है, मैंने बेन को वहां से लाके बेड पे डाला मलहम पट्टी की, और मुझे योगी भगा दे रहा है। ठीक है अच्छी बात है, चलो दोस्तों मैं तो चलता हूँ ऊपर, न्यूज वगैरह देखता हूँ, और बॉब नल्ला भी आ ही रहा होगा, पता नहीं दोस्तों, पूरा यहाँ पे कैंपिंग खराब हो जाएगी। ओए क्या फर्क पड़ता है मुझे तो। हे बेन टेनिसन तुम टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा तुम्हें यार, और वो विल गैक्स आएगा तो देख लिया जाएगा। आगी मेरे दोस्त तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे हो, बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, तुम मेरा एक काम कर सकते हो क्या? हे बताओ ना बेन क्या काम है, जल्दी बताओ, मैं वो काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इस हालत में मैं नहीं देख सकता। आगी मेरे दोस्त मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि वही चीज इस लॉस सैंटोस को बचा सकती है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता, विल गैक्स सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देगा, वो मेरी वॉच के पीछे पड़ा हुआ है। ए वो बिल गैक्स का बच्चा, वो अभी नहीं माना हो? ओए मुन्ना मेरे भाई ऊपर तो आ गया देख। ए क्या हो गया भैया, क्यों चिल्ला रहे हो, आ रहा हूं ना। ओए जल्दी आप नूपड़े। ए बेन तुम यही पे रहना, मैं भी आता हूँ। बाप रे भैया को पता नहीं क्या हो जाता है। ओए जल्दी आ, देख रहा टीवी पे क्या चल रहा है। अरे टीवी पे क्या चल रहा है भैया, क्यों चिल्ला रहे हो, आ रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़े विलन ने हमला कर दिया है, और पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को तबाह किए दे रहा है। जैसा कि डिस्ट्रक्शन से पता चल रहा है, ये पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर देगा बहुत जल्दी, अगर किसी ने कुछ किया नहीं तो। पुलिस भी नाकामयाब हो गई इसको स्टॉप करने में, अब पता नहीं आगे आने वाले लॉस सैंटोस में क्या होने वाला है, न्यूज पे बने रहिएगा। ओए मुन्ना ये ऑक्टोपस कौन है, ये कौन सा कीड़ा है? ए भैया यही तो है विलगैक्स। क्या बात कर रहा है, ये विलगैक्स है, और ये तो लॉस सैंटोस में तबाही मचा दे रहा है। ए भैया मैंने बोला था ना, और भैया अभी बहन ने भी बोला कि विलगैक्स धरती पे आ रहा है। ओए तो अब क्या कर सकते हैं? ए भैया वो बेन की वॉच के पीछे पड़ा हुआ है। बेन की वॉच के पीछे? ओए उस वॉच में क्या है? अरे यार भैया वो बेन टेन एलियन वॉच है। एलियन वॉच, उस वॉच से कुछ होगा क्या? ए भैया आप समझो मत, भैया हम लोग को बेन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर उसको बेन मिल गया ना तो उसको छोड़ेगा नहीं, और भैया वो उसकी वॉच छीन लेगा, और जैसे भैया वो वॉच उसके हाथ में आएगी ना, तब भैया वो क्या करेगा हम लोग को भी अंदाजा नहीं है, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ए तो भैया उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ओए मैं क्या कर सकता हूँ? ए भैया बेन को बचाना पड़ेगा और क्या।
ओए मतलब हम सभी को मिलके बेन को सेव करना है ना। हाँ भैया। आओ दोस्तों, कैसे हो? मैं जा रहा हूँ ऑगी जैक का घर में। आओ, आज दोस्तों साल का आखिरी दिन है तो हम लोग करने जा रहे हैं पार्टी, हिचका हिचका। आओ धीरे धीरे चलूंगा, उसके बाद गड्डी भी धीरे से पार करूंगा। क्या बात है दोस्तों, पहुंच गया। आओ ऑगी जैक, जल्दी बाहर निकल आओ, बॉब द बिल्डर आ गया, हिचका हिचका। आओ, घर का गेट क्यों बंद है, जल्दी से चल के देखता हूँ। इन लोग को बुलाने में ना दोस्तों बहुत टाइम लगता है। आओ, क्या कर रहे हो तुम दोनों, पता नहीं अभी तक रेडी नहीं हुए, पता नहीं क्या करते रहते हो। आओ आगे, कैसे हो? ए बाप, तुम भी आ गए? आओ, तुमने ही तो बुलाया था आगे, इस तरह से क्यों बोल रहा, तुम भी आ गए? ओए एक्चुअली मैं बाप, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। आओ, ऐसा क्या हो गया जो प्लान ही कैंसिल करना पड़ रहा है? ओए बाब, एक्चुअली में आज हमारे घर बेंटन आया हुआ है। ओए, आओ, क्या बात कर रहा हो, बेंटन आ गए, सही में क्या? हाँ बाब, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, विल गैक्स ने शहर पे अटैक कर दिया है, और बाब हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है आज के दिन। आओ आगे, बताओ ना करना क्या है। हे बाब, हम लोग को बेन को सेव करना है ताकि विल गैक्स को उसकी वॉच ना मिल पाए। आओ, ये बात है, क्या बात है जैके, तो फिर देरी किस बात की? ओए हाँ बाप, कुछ तो करना पड़ेगा बेन को सेव करने के लिए, और वो विल गैक्स का बच्चा बेन को हाथ भी ना लगाने पाए। हाँ, आप लोग बाहर जाके देखो, कोई आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आओ ठीक है आगे, जैसे तुम्हारी इच्छा, चल जैके, आज वो विल गैक्स आएगा तो उसके टक्के टक्के कर देंगे, वेपन्स लेके रेडी हो जा। ओए मेरे पास तो ऑलरेडी वेपन है, चल आजा, आज उसको लॉन्चर से उड़ा देंगे। आओ, चल आजा जल्दी से, बाहर पहरेदारी करते हैं, हिचका हिचका। मैं यहाँ पे तब तक बेन को देखता हूँ कैसा है। हे गाइस, चलो भैया और बाप तब तक बाहर देख रहे हैं, कोई आएगा तो मुझे इन्फॉर्म पक्का कर देंगे। हे बेन मेरे दोस्त, कैसे हो, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? होगी मेरे दोस्त, जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जल्दी सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर विल गैक्स आ भी जाता है तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा किसी भी हाल में। हे मेरे दोस्त, ऐसा मत कहो यार, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लेना बहन, हम तुम्हारी यहाँ पे सेफ्टी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन विल गैक्स तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, देख लेना। ओए बाप, वैसे ये बताइए खटारा कहाँ से खरीद ली? ओए आओ, खटारा नहीं है, मेरे धन्नो है ये। ओए धन्नो नहीं, ये तो लल्लू है। ओए आओ, रेड कलर की गाड़ी को लल्लू बोलेगा, टक टक कर दूंगा। ओए चुपचाप से यहाँ पे सेफ्टी कर, वैसे क्या लगता है बाब, उस विल गैक्स से हम लोग निपट पाएंगे? आओ टक टक कर दूंगा 100%, वैसे तू निपट पाएगा कि नहीं? ओए मैं तो ऐसे करके फोड़ डालूंगा, समझ रहा है ना तू? आओ चल चुपचाप से ध्यान दे, कहीं से भी आ सकता है वो, क्योंकि उसे बेन चाहिए। ओए मैं तो कहता हूँ बेन की वॉइस लेते हैं, एलियन रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस विल गैक्स की टक टक कर देते हैं, क्या बोलता है? आओ, तुझे वॉच चलानी आती है क्या? आती नहीं, लेकिन सीख लेंगे। बकवास मत कर, सामने देख, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। लेकिन बाब ये खटारा मुझे तेरी अच्छी लगी, इससे तू कैंपिंग करने आ जा रहा था। आओ दोबारा खटारा बोला, तेरी ठाक कटक यहीं पे कर दूंगा। ओए तू तो भड़क जाता है। लॉस सैंटोस के वासियों, कैसे हो? मुझे यहाँ पे किसी चीज की तलाश है, अगर वो चीज मुझे मिल जाती है तो मैं धरती से लौट जाऊंगा, लेकिन अगर वो चीज मुझे नहीं मिली तो मैं एक एक को चुन चुन के इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लॉस सैंटोस तो गया, बेन तुम मुझसे ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे, कीड़ो कहीं के, तुम कीड़े डिजर्व नहीं करते इस जिंदगी को जीना, निकल जाओ यहाँ से मेरे रास्ते से, तू मुझे मारेगा, ये ले कीड़े, आज तुझे मसल डालूंगा, कौन है मुझसे जो पंगा लेगा? बेन अगर तुम सामने आ जाओ तो मैं इन कीड़ों को छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे वो वॉच तुम्हें देनी पड़ेगी। कुछ और कीड़े आ चुके हैं लॉस सैंटोस को बचाने के लिए, किसने मारा? हाँ तेरी तो ये है, अब बताता हूँ औरों को, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी आसानी से, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये लो, इस भरपाई का सिर्फ एक ही उपाय है, या तो तुम मुझे वो वॉच दे दो या तो पेन दे दो, वॉच तो मुझे मिली जाएगी ना एक बार पेन मिल गया तो। वैसे इंसान इतने बुरे भी नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है, हट जाओ यहाँ से मेरे रास्ते से, तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते हो किसी भी हाल में,
फिर से कुछ और कीड़े आ चुके हैं, इनका भी कुछ करना पड़ेगा। ये लो, तुम्हारी तो ऐसे नहीं मानने वाले तुम लोग। बेन, कहाँ पे हो? बाहर निकलो, मुझे वो वॉच किसी भी हालत में चाहिए, नहीं तो मैं इन कीड़ों को मसल दूंगा अगर वो वॉच मुझे नहीं मिली तो। कहाँ चले गए बेन? ओए बाबू, वैसे क्या लगता है कोई आएगा क्या यहाँ पे? आओ, उतने देर से तो खड़े हुए हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया। ओए आएगा अभी तो उसको ऐसे उड़ा देंगे एकदम फोड़ के। वैसे दोस्तों आप लोग क्या बोलते हैं, इस गाड़ी को फोड़ दिया जाए क्या? मैं तुझे फोड़ दूंगा, समझ ले तू। ओए मैं क्या समझ लूँ, तू तो बहुत फालतू यहाँ पे नाराज होता रहता है। ओए ओए बकवास मत कर बाप, तू मुझसे नहीं जीत पाएगा। आओ टक टक करूँ क्या? मैं कुछ बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, उतनी देर से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? ओए तू चला जा यहाँ से। आओ सही है चला जा, क्योंकि हम लोग बेन 10 की रखवाली कर रहे हैं, वैसे भी दिमाग फेरा हुआ है, ठक टक कर देंगे। ओ तो यहाँ है टेनिसन। ओए टेनिसन, ओए तू कौन है? धरती के इंसानों में लगता है तमीज नाम की चीज नहीं है, और तुम लोग तो मुझे इंसान भी नहीं दिखते हो। ओए बॉब, ये चेहरा कहीं जाना पहचान नहीं लग रहा तुझे? ओ मुझे तो लगता है यही बिल गेट्स है। ओए यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ तुम्हें कह रहा था, बेन की सुरक्षा तुम लोग कर रहे हो, हाँ जल्दी से उसको मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों का ऐसा हसल करूंगा कि तुम दोनों मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। ओए तू अपने आप को समझता क्या है हाँ? बाप क्या बोलता है तू? आओ मैं तो कहता हूँ ठक टक कर देते हैं इसके। ओए चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझको ना उड़ा दूंगा। ये ले चल निकल यहाँ से। अच्छा शॉट था, तो तुम लोग लड़ना भी जानते हो, लगता है तुम लोग को मेरी पावर का अंदाजा भी नहीं है। ओए चला जा यहाँ से, नहीं तो फिर मार खाएगा। ठक टक करवाना चाहता लगता है जैके। अगर तुम लोग यही चाहते हो तो फिर ठीक है, चले जाओ यहाँ से। ये क्या, बहुत हो गया तुम लोगों का। तू बॉब, तेरा नाम बॉब है ना, चल निकल यहाँ से, बहुत दिमाग खराब कर रहा था। ये ले बेन टेनिसन को मैंने बोला था ऐसे वापस कर दोगे तुम लोग भी बच जाओगे, और तूने मुझे यहाँ पे सूट किया हाँ। ये ले चल निकल यहाँ से तू भी, और यहाँ पे दोबारा वापस मत आइयो। बेन टेनिसन, जहाँ भी हो वापस आ जाओ। फालतू के कीड़े, अभी इतने सारे कीड़ों को निपटाया है, तू भी आ गई, चल निकल यहाँ से। बेन टेनिसन बाहर आ जाओ, विल गेट्स बाहर आ चुका है। हे लेकिन बेन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ऑगी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। हे ये बाहर आवाज कैसी है? अरे बाप रे, लगता है वो आ गया। ऑगी मेरी बात मान जाओ, नहीं तो कुछ सही नहीं होगा। तुम्हारे भाई और बाप बिल गेट्स ज्यादा देर तक नहीं जीत पाएंगे, बिल गेट्स उनको मसल के रख देगा। ए बेन, लेकिन यार ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता यार क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑगी मैंने जो बोला है सिर्फ तुम वो करो, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और शहर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। हाँ ये बात तो है। ए बाप रे, बाहर इतनी आवाज क्यों आ रही है, लगता है कोई तो आ गया। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है। ऑगी तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो बिल गेट्स आके मेरी वॉच ले जाएगा और फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। ओ तो इधर हो तुम बेन, बेन टेनिसन, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो मेरे दोस्त? ऑगी अभी, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ओ अभी तुम्हारे बाहर गार्ड्स को मैं मार के ही आया हूँ, वैसे तुम्हारा भी हसल कर दूंगा, इसलिए हट जाओ और वो वॉच मुझे दे दो। बेन टेनिसन, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो वो वॉच मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इसे भी मैं पकड़ के फेंक दूंगा। ये भी अपने भाइयों की तरह उसी तरह पड़ा रहेगा। ए, तूने मेरे भाइयों का क्या किया? वही जो करना चाहिए था और जो मुझे सही लगा, मेरे से पंगा ले रहे थे वो कीड़े, मसल दिया मैंने उनको। हे अब तू नहीं बचेगा। एक और कीड़ा हाँ, मसलने में टाइम नहीं लगेगा तुझे मुझे। एक मिनट, ये लाइटनिंग कैसी है, मेरी आंखों को चुभ रही है। नहीं ये क्या,
हे, क्या बोला था तूने? हाँ ओ टेनिसन, गलती कर दी तुमने इस बच्चे को वॉच देके। विल गैक्स, अब तू नहीं बचेगा, तेरी तो ये ले यहाँ से। टेनिसन। ए भैया, अरे बाप ये क्या हो गया? भैया कहाँ पे गए? आओ आगे, उसने बैंड बजा दे हम लोग के। आओ, हमने आगे लेकिन अपने एंड से बहुत कोशिश की। ए तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोग हॉस्पिटल ले जाता हूँ। ओए मुन्ना, हॉस्पिटल बाद में जाइयो, बेन को सेव कर। ए गाइस, वो वेल गैक्स कहीं से भी आ सकता है। ए भैया उठ जाना जल्दी से। ओए मुन्ना, तू हमारी टेंशन मत ले, हम लोग अपने आप को संभाल लेंगे। तू ये क्या बन गया? ए भैया, बेन ने अपनी वॉच मुझे दे दी। ए, मैं मांग रहा था, मुझे नहीं दी। ओए ए भैया, आप होश पे नहीं हो, टेंशन मत लो। ओए तू जा यहां से, विल गैक्स को शहर से दूर ले जा। हे गाइस, मुझे उस विल गैक्स के बच्चे को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ए किधर गया वो विल गैक्स का बच्चा? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। गाइस उसे तो मैं ढूंढ के रहूंगा चाहे जहां भी हो। ए विल गैक्स, तूने मेरे भैया को मारा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हे गाइस, वैसे पता नहीं कौन कौन सी पावर है मेरे पास, मुझे खुद नहीं पता। एक तो ये उड़ने वाली पावर मिली है। ए इधर कोई शोर शराबा है, इधर तो गाइस कोई तो है। ए कौन है, जल्दी बताए। किधर गया वो, किधर गया? ऑगी, मुझसे बच के कहाँ जाओगे? तुम्हारा नाम ऑगी है ना? हे, अब मैं तुझे बताता हूँ कैसे। अरे बाप रे, मुझे मारा। तो क्या कर लोगे? ए, बहुत हो गया तेरा, अभी बताता हूँ मैं कहाँ गया। ये ले, काट डालूंगा, चल निकल यहाँ से। ये ले, ए गाइस निकल यहाँ से। ऑगी, इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं भाग सकते, ये लो तुम भी। ए, मुझे मारा, जा रहा हूँ यहाँ से। ए गाइस कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे ही विल गैक्स पड़ा हुआ है। बाप रे कितना खतरनाक है ये। ए ए आ जाओ गाइस, पावर से होता क्या मुझे समझना पड़ेगा। अरे बाप रे, विल गैक्स फिर से आ गया। ये ले तू भी मार खा, चल निकल ले। तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, मेरी पावर तुम्हें पता नहीं है। वो मैट्रिक्स मेरे हवाले कर दो, नहीं तुम्हारे भैया और तुम दोनों मारे जाओगे। भाग किधर रहे हो? हां भागने से कोई यहाँ पे औपचारिकता नहीं बचेगी तुम्हारे पास। ए बाप रे, विल गैक्स इतना ज्यादा डेंजर है गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा। ए आ गया फिर से। ए आ जाओ, किधर है? ये ले, अभी बताता हूं। अरे ये ले मेरे भैया को मारता है, ये ले छोड़ूंगा नहीं। ये ले, दिमाग खराब कर दिया। अरे बाप रे गाइस, मुझे पड़ रही है, निकलता हूँ, पावर कम हो गई है। बाप रे गाइस बहुत डेंजर है, मैं इससे एक साथ नहीं लड़ सकता। हे यार बेन 10, तुमने कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है? अरे बाप रे मार दिया रे, जल्दी। बाप रे ये क्या गाइस, हम लोग का बैंड बच जाएगा। ए ये क्या, अरे बाप रे भागो यहाँ से। अरे मेरी पावर कहाँ गई? भागो। बाप रे गाइस बहुत ज्यादा हेल्थ कम हो चुकी है, अभी मैं यहाँ पे शहर में लड़ूंगा ही नहीं गाइस, थोड़ा दूर जाके लड़ना पड़ेगा, नहीं तो विल गैक्स मुझे छोड़ेगा नहीं। आगे तुम मुझसे ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते हो, जहाँ तुम जाओगे विल गैक्स वहीं पे आएगा। भागो, इस तरह से फाइट करने मुझे और भी मजा आएगा। गाइस बहुत हो गया, यहीं पे खत्म करते ये किस्सा, आ जाओ चलते हैं उससे फाइट करने। ऐसे डर के गाइस फाइट करने से क्या मजा। रुक जाओ विल गैक्स, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी बैंड न बजा दी ना तो मेरा नाम भी ऑगी सिंह बॉडी वालिया नहीं। ऑगी तुम कब तक बचोगे? ये लो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ए, ये कौन सी एबिलिटी है गाइस, अभी से बताता हूँ, आजा पीछे ही आएगा। ओके गाइस, ये ले। चीप एबिलिटी, हाँ ये तुम एबिलिटी अपने पास रखो और मुझसे मार खाओ। ये क्या, मुझे तुमने मारा। ए, ये ले विल गैक्स, अभी बताता हूँ। ये ले मुझे मारेगा, ये ले। अब हार मार खा, बहुत हो गया, ये किस्सा यहीं पे खत्म करते हैं। ये क्या गाइस, गायब हो गया। मार दिया क्या मैंने इसको? अरे बाप रे गायब हो गया। ए यार ये क्या हो गया, लगता है गाइस वो चला गया। अभी चलता हूँ घर, फिलहाल बाप रे क्या होगा भैया का। ए भैया मैं आ रहा हूँ। ए गाइस फाइनली घर तो आ गया, अभी देखूँ तो भैया तो इधर नहीं लग रहा है। ए बाप रे बेन कैसा होगा, मुझे जल्दी देखना पड़ेगा। ए भैया बाप, ए बेन कैसे हो? अरे ऑगी तुम आ गए, कैसे हो? ए मैं तो बढ़िया हूँ, इन दोनों क्या हुआ? टेंशन मत लो ऑगी, ये दोनों भी फिलहाल सही है, बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, मैंने इनको पट्टी वगैरह कर दी है, अभी फिलहाल ये दोनों सो रहे हैं। ए बेंटन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए होगी, क्योंकि तुमने तो आज मेरी जान बचाई है। वैसे
वो कहाँ गया वो विल गैक्स का बच्चा? हे बेन 10, मैं उससे फाइट कर रहा था और फाइट करते करते पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता, लगता है वो मर गया। नहीं होगी, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता है, वो कहीं चला गया है और मुझे पता है वो लौट कर दोबारा फिर से आएगा। ए बेन, अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन ये बताओ मैं अपने असली रूप में कैसे आ सकता हूँ? टेंशन मत लो होगी, अभी तुम थोड़ी देर में खुद ही आ जाओगे। ए, ये क्या हो रहा है ओमनीट्रिक्स में? ये क्या हो रहा, बाप रे, अरे ये क्या? ये लो होगी, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था तुम अपने असली रूप में दोबारा से आ जाओगे। ए थैंक यू बेन यार। अरे थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए। भैया आप ठीक तो हो ना? अरे बाप, वैसे तूने उस खटारो को बेचा तो नहीं ना अभी? आओ, खटारो के ठाके ठके हो गए, विल गैग्स ने उसके ठाके ठके कर दिए। ए चलो अच्छा लगा, आप लोग एकदम सही हो। ए भैया टेंशन मत लेना, मैंने विल गैग्स को एकदम मार के आया हूं मैं उसको। ओए क्या बात कर रहा है, तूने उसको मार लिया? हां भैया, पटक पटक के मारा उसको, उसने मुझे मारा, लेकिन भैया लास्ट में जीत मेरी हुई, वो भाग गया। अच्छा भगोड़ा भाग गया, हमसे बहुत बड़ी गुंडागर्दी कर रहा था मुन्ना, एक गन खींच के दी, पूछ बाप से। ओ वही तो भारी पड़ गया, ठाके ठाके कर दी उसने हम लोग के। ए टेंशन नहीं लेने का। ए बेन वैसे अब क्या होने वाला है? ओगी मैं सोच रहा था अभी कुछ दिन और तक मैं अर्थ पे रुकूंगा, उसके बाद मेरे ग्रैंडपा मुझे लेने आ जाएंगे। ए ठीक है, तब तक तुम हमारे घर में रुक सकते हो। चलो गाइस, अब हम लोगों को भी अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेन 10 की जिम्मेदारी भले ही मेरे ऊपर आ चुकी है, लेकिन गाइस मैं ये जिम्मेदारी संभालने के लिए अभी ज्यादा मैं कुछ हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या करना है किस टाइम पे। और गाइस वैसे आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों मेरी भी सुन लो। अरे भैया आप बेड पे लेटे रहो यार, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। चलो गाइस तब तक के लिए सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय।